मैंने सोचा हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, वही मेरे लिए कहीं ना कहीं बनेगा रोजी रोटी का मसला। फिर आई गॉट सेटल इन जयपुर, जयपुर से फिर माइग्रेट किया जैसलमेर। जैसलमेर में ज़्यादा ठीक ठाक बिजनेस बना। अगर अगर मौसम फर्स्ट क्लास होगा, अगर बंदा मॉर्निंग में निकलेगा शाम को वापस आएगा, सब्जेक्ट टू वेदर मस्ट बी वेरी क्लियर। या सब्जेक्ट टू वेदर। तो यहाँ पर ये हैं कैप्टन हमीद जो हमें लेने आए थे। यहाँ का बंदा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये खुद अपनी कार से आए हमें लेने और बोला कि हम मैं आपको अपनी बोट न्यू बकिंगम पैलेस दिखाऊंगा, अगर आपको नहीं भी पसंद आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको घर पे छोड़ के जाऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाऊँगा इनकी बोट और इनका होम स्टे कैसा है। ये भी मुझे एयरबीएनबी के द्वारा मिले हैं, तो मैं इनका लिंक और डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन मज़ा तो आता है कश्मीर में रहने में। ऐसा है ना, हमारे वादी में ये मुगल्स का असर रहा है। मुगल्स वर पीसफुल पीपल। उनका जो अपना अपना रहन सहन हैबिट्स थे, दैट वाज वेरी आई मीन फर्स्ट क्लास पीसफुली हुआ करते। लेकिन मैं चार पीढ़ी से सर्विस प्रोवाइडर है मेरा बिजनेस, तो ये जो वो थोड़ा है नज़दीक पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा हट के बनाया, इसको वोट दिया थोड़ा हट के बना, क्योंकि हम ऑलरेडी भीड़ भाड़ में रहते हैं। जब छुट्टियाँ भी भीड़ भाड़ में करेंगे तो फायदा क्या है छुट्टियों का। सही बात है। तो जो मेरे डैड के समय के है हमें कस्टमर्स, वो आए उन्होंने वो किया। तो कैप्टन हमीद इस बिजनेस को पिछली चार पीढ़ियों से चला रहे हैं और काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। आप आइए तो इनसे ज़रूर मिलिए और इनसे आप हाउस बोट की बुकिंग भी करा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा देश ही दूसरा। रात में जैसे कार से निकलते हो आप, लेट्स सपोज 7 बजे के बाद, पुलिस रोकती है क्या? हर पुलिस वाले को, हर सीआरपी वाले को पता है कौन क्या है। अच्छा, वो शक्ल देख के बता देते हैं। शक्ल क्या? एक तो शक्ल देख के हमें पता नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं यहाँ का बंदा हूँ, मेरे को पता नहीं है फलानी शहर में कैसा कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, उनको पता है नहीं। उनको तो नंबर वन, नंबर टू, दे हैव राइट्स सर्च द कार, सर्च आउट ऑफ बिलोंगिंग, सब कुछ ठीक ठाक हो के भी उनको इजाजत है बंदे को वापस भेजने। गौर करना है इस बात की भी कि एनवायरनमेंट खराब नहीं होना चाहिए। दैट हैज टू बी सर्टेन एरियाज वेयर द पीपल वांट टू लिव इन। Means they can purchase the land. Oh yeah, इसमें क्या है? जब मेरे को है तो नहीं, आप तो कश्मीरी हो तो आप तो खरीद सकते हो। नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं समझा अभी भी नहीं। नहीं समझा। सपोज बहुत सारे हैं कश्मीर के बंदे जिनको दिल्ली में भी है, लैंड भी है, फ्लैट भी है, मकान भी है, जब यहाँ के बंदे ने वहाँ खरीदा है तो वहाँ का क्यों नहीं यहाँ खरीद सकते? तो वो पूरा फिर कश्मीर खराब हो जाएगा ना, वही तो। हाँ हाँ हाँ, वही खास ख्याल रखना है वो नहीं रखते को ना। किस डायरेक्शन में इनको बसाएंगे? मैं कह रहा हूँ क्लाइमेट चेंज हो गया पूरा, इस साइड आते ही मतलब थोड़ा ये धूल मिट्टी कम, गुड क्लीन एनवायरनमेंट। अरे तो भी वो जो शहर में धूल मिट्टी थी ना, वो कुछ भी नहीं है जहाँ हम लोग रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे तो अलग ही धूल मिट्टी चलती है। वही वही मेरे गेस्टों ने बताया, मैं उनको हाथ जोड़ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे को ये सजेशन दिया कहाँ बनाऊंगा वैली हेरिटेज। ये देखिए हम झील के बीच से जा रहे हैं। अच्छा। लेफ्ट भी पानी, राइट भी पानी। ओके, तो दिस इज डल लेक। यस। एंड दिस वन इज नगीनी। यस। ओके, so we are coming to see houseboat. ये अपने काम की चीज। तो ये था डाइनिंग एरिया जहाँ पर आप बैठकर खाना खा सकते हैं, और ये है मास्टर बेडरूम, और इसके पास में ही है बालकनी जहाँ से आप
बाहर के नज़ारों का भी मजा ले सकते हैं। अच्छा है अंकल, बहुत बढ़िया। इट्स अ डिफरेंट वाइब हियर। सुबह के टाइम और अच्छा व्यू है। हाँ ठीक है अंकल, बिल्कुल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस अभी लग रहा है। वी विल बुक दिस। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, इस बोट के अंदर हर चीज़ जो है वो हैंडमेड है। इसमें हर चीज़ वॉलनट की लकड़ी से बनी हुई है, हाथ से तराशी गई कुर्सियाँ, बेड एंड डाइनिंग टेबल है। और ये है सेकेंडरी बेडरूम, जिसमें आपको विंडोज मिलती हैं, और मास्टर बेडरूम में आपको बालकनी। तो फाइनली ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ से होता है जब आप अपनी विंडो खोलते हैं। सुबह जब आप उठेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये है शिकारा बोट, जिसके थ्रू आप बोट हाउस तक जा सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे बोट हाउस। और ये है राइट साइड में बॉल्डीवार्ड रोड, जहाँ पर आपको स्ट्रीट शॉपिंग करने को मिल जाएगी। यहाँ पे 200 रुपये से लेके 1200 रुपये तक काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कैसा है? हाँ ठीक है, एक प्लेट कर दो भैया। लगाओ भैया, दम लगाओ।